हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। 10 डेज का गैप हो चुका है मेरे ब्लॉग में। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं शिफ्ट कर रही हूँ, तो आप लोग समझ सकते हो कि क्यों ये गैप हुआ 10 डेज का। 10 to 12 डेज आई एम नॉट श्योर ऐसा कुछ गैप हुआ है वीडियोज में। घर से मैं पहला वीडियो शूट कर रही हूँ, जो कि जाहिर सा बात है कि हाउस टूर का होगा। तो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ आज मेरा छोटा सा आशियाना। मेरे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि बहुत से कॉर्नर्स हैं जो कि अभी फिनिश नहीं हुए। कहीं छोटा मोटा पेंट का काम बाकी है, कहीं डेकोरेशन का काम बाकी है। काफ़ी चीज़ें मैंने ऑर्डर कर रखी है जो कि डेकोरेशन पर्पज से भी है घर के लिए और एसेंशियल्स भी हैं। तो मैं हाउस टूर आपको दे देती हूँ वैसे ही, जब फिनिश हो जाएगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ सारी चीज़ें हो चुकी है, तो फिर मैं एक हाउस टूर का वीडियो बना दूँगी। और वैसे भी आप मेरे साथ साथ तो देखते ही जाओगे क्या काम हो रहा है। तो यही है, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। मेरे इस वीडियो को लाइक करना पसंद आए तो हाउस टूर देखने के बाद अभी भी लाइक कर सकते हो और बेल बटन भी दबा देना ताकि आपको मेरे वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कुछ एरिया, कुछ कॉर्नर्स फिनिश नहीं है, बट मैं आपको शो करती हूँ हाउस। तो चलिए सो आफ्टर एंट्रिंग द हाउस, जो फर्स्ट चीज़ हमारे सामने आती है वो है ये टीवी यूनिट, जो कि लिटरली कंप्लीट नहीं है अभी। काफ़ी डेकोरेशन के आइटम्स इस पे रखने हैं, टीवी का कार्टून भी यहीं पड़ा है। तो ये है हमारा टीवी यूनिट जो कि स्लाइटली डेकोरेटेड है, कंप्लीटली डेकोरेटेड अभी नहीं है। तो ये रहा, अभी चीज़ें मैसी है थोड़ी। ये था गेट जिसके बिल्कुल सामने हमने गणपति जी का फ्रेम लगाया हुआ है। सो ये है बिल्कुल सामने का व्यू, साइड में हमारे टीवी यूनिट है। फिर आ जाओ सोफा एरिया, ये रहा हमारा सोफा एरिया, वो कर रही है अपना ड्राइंग का काम। शू रैक मैंने, वो रहा मेन गेट, यहाँ रखा है मैंने शू रैक। बेसिकली ये है हमारा हॉल, ये है हॉल। यहाँ पे अभी कर्टन लगना बाकी है ताकि ये हॉल थोड़ा सेपरेट हो जाए। फिर आ जाओ आप इस सो यहाँ पर हॉल में ही, यहाँ पे कर्टन लगने के बाद ये एक सिंगल बेड हमने लगाया हुआ है। थोड़ी बहुत डेकोरेशन यहाँ भी कर रखी है हमने। ये है हमारे हॉल के अपोजिट का वॉल। अब आ जाते हैं यहाँ से डायरेक्ट हमारा किचन है। अभी बिजली का काम बाकी है। सो ये स्विच बोर्ड, एक्चुअली मैंने बताया कि मैं यहाँ पहले भी रहती थी तो यहाँ वॉल हुआ करती थी, जिस वॉल पे ये स्विच बोर्ड था। तो स्विच बोर्ड अभी बेचारा अधर में लटका है, इसे हम शायद उस वॉल पे करेंगे। डाइनिंग एरिया है, ये हमारा डाइनिंग एरिया हो गया। यहाँ मैंने डाइनिंग टेबल रख रखा है और ये ऊपर चाबियों का गुच्छा लटका है। वॉच मुझे चाहिए होता है किचन में। और ये है हमारा किचन, ये है किचन, ओपन किचन। सो छोटा सा क्यूट सा किचन है हमारा। सो यहाँ पे पेंटिंग का काम बचा है, आप देख सकते हो ये पेंटिंग का काम बचा है। वो है वॉशरूम, फर्स्ट वॉशरूम है वो। वहाँ है हमारा वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन के ऊपर वाईफाई जो कि वॉल पर जाएगी। और वो रहा लॉन्ड्री बैग, थोड़ी सी गार्डनिंग मैंने कर रखी है तो वहाँ पे है गमला। ये हमारा थर्ड हॉल आप बोल सकते हो, फर्स्ट हॉल कर्टन डिवीजन, सेकेंड हॉल जहाँ सिंगल बेड है, और सीधे सामने आ जाओ तो ये एक और हॉल ही है कह लो, वो सेकेंड वॉशरूम, ये फर्स्ट वॉशरूम। और यहाँ पर मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल रूम में रखने की बजाय मैंने यहाँ रखना प्रेफर किया है ताकि मैं अच्छी लाइटिंग में अच्छे से रेडी हो सकूं और रूम में कोई डिस्टर्ब भी ना हो। आपको याद हो अगर तो लास्ट हाउस में मुझे बाहर रखना होता था, मैं तैयार होने के लिए कुछ चीज़ें दूसरे कमरे में रखती थी ताकि बाबू का और विशाल का नींद ना खराब हो। तो यहाँ पर मैंने बाहर ही लगवा दिया कि मैं आराम से रेडी होऊंगी आवाज़ करते हुए। वो बाबू का कबर्ड, अभी वो वॉल कम्प्लीट होना बाकी है, पेंट होना बाकी है। वहाँ विंडो एसी का फ्रेम है जो कि मैंने ढक रखा है मच्छर की वजह से। और ये है हमारा विंडो, अभी ये पेंट का काम बाकी, ये पेंट का काम बाकी है, अभी ये सारा कुछ पेंट का काम बाकी है। सो यहाँ भी हमने नेट लगवा दिया है ताकि मॉस्किटो से हमें छुटकारा मिल जाए। और यहाँ पे रख रखा है बाबू का कबर्ड। ये सेकेंड वॉशरूम भी अभी कंप्लीट नहीं है, ये बिल्कुल यूज में नहीं है, ये एक्स्ट्रा आरओ है जो कि यहाँ पे रख रखा है। यहाँ बेसिन वगैरह लगना है,
दिस इज किचन, डाइनिंग टेबल से इधर किचन है, वो है हॉल, हॉल के सामने सिंगल बेड, फर्स्ट बेडरूम एंड सेकंड बेडरूम। वो बेडरूम एक्स्ट्रा है या वैशाली रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो बेडरूम वैशाली का है। मैं बेडरूम्स भी अब दिखाऊंगी, और मैंने सेलेक्ट किया है ये बेडरूम, तो मैं पहले अपना बेडरूम आपको दिखा देती हूँ। सो ये है मेरा बेडरूम, बिल्कुल सोबर। आप देख सकते हो कि मैंने हॉल एरिया कितना कलरफुल रखा है, बट मैंने अपना बेडरूम बहुत ही सोबर रखा है, बिल्कुल लाइट कलर के साथ। वो मेरा वर्क एरिया, विंडो, कबर्ड, और ये एक छोटा सा पैनल है जो मैंने डेकोरेट किया हुआ नहीं है अभी, थोड़ा बहुत डेकोरेशन है जो कि मुझे अभी करना है अच्छे से। इसमें मैंने ओढ़ने वाली चादरें डाल दी है। तो ये है हमारा बेडरूम, सो ओवरऑल हम शिफ्ट हो चुके हैं, बट बहुत चीज़ें बाकी है अभी। अब चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये कबर्ड मैंने लगाया हुआ है जिसमें मैं अपनी साड़ियाँ रखती हूँ, इस कबर्ड में मेरी साड़ी होती है। और ये वॉल, अगेन अ कलरफुल वॉल, और इस वॉल का क्रेडिट जाता है मेरे भाई को, सो उसने ये टेप वगैरह स्टिक करके ये पेंट का काम किया है, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है ये वॉल मुझे। उन सब के लिए अभी मुझे पिक्चर्स निकलवानी है। ये है बेड जो कि आपने पहले भी देखी है, यहाँ लग रखी है। सो या तो ओवरऑल ये था मेरा छोटा सा आशियाना। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना, और मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।